केंद्र सरकार की तरफ से लगभग हर वर्ष 35,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं विभिन्न राज्यों को, तो यहाँ कश्मीर में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है और हेल्थ के क्षेत्र में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है ये देखें, और बाकी राज्य भी यहाँ से समझें, और कश्मीर के लोग जो बाकी राज्य आए हैं उनसे समझें कि वहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कई राज्य 8 राज्य के यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो वो अपने अपने अनुभव बताएंगे। और कश्मीर में जो हमने देखा जो कि बड़ा एक अनुभव अच्छा लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो कि मेरे ख्याल से भारत में कहीं भी नहीं होगा, जो 24/7 चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, 3 शिफ्ट में डॉक्टर उपलब्ध हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है क्योंकि यहाँ सभी को पूरा का पूरा मेडिकल रिइंबर्समेंट होता है, और कश्मीर में मेरे ख्याल से 480 करोड़ रुपए इसके ऊपर सरकार खर्च कर रही है। यहाँ पर जो मैंने अपनी स्पीच में बताया कि मैं सबसे पहले आया था 1987 में, जो कि मिलिटेंसी से पहले था, उसके बाद कई बार आया हूँ, मिलिटेंसी के बिल्कुल पीक में आया हूँ, जबकि यहाँ पर जो है बिल्कुल जब चलते थे तो बख्तरबंद गाड़ियों में ही चलना पड़ता था और हर कॉर्नर पर सिक्योरिटी रहती थी। अब का नज़ारा, और जो अब कल मैं गया डल लेक के ऊपर रात को 8:30-9 बजे भी ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, तो अब मेरे को 1987 की याद आती है, जिस तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर डल लेक का जो नज़ारा देखने को मिलता है, तो यही फ़र्क मेरे को देखने को मिला। और हेल्थ वगैरह में भी जिस तरह का यहाँ सुधार हुआ है, तो वो बहुत बड़ा सुधार। नई क्या फैसिलिटीज़ आप ऐड करने जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर में? जो यहाँ पर जैसे अब कैंसर हॉस्पिटल था वो जैसे अब जो है बन के तैयार हो रहा है, उसके लिए भी यहाँ राज्य केंद्र सरकार पूरा पैसा दे रही है। और जैसे एम्स है, अब मैं आज अवंतीपुरा का एम्स भी देखने जाऊँगा जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो बन के तैयार हो, अभी मार्च में ही जम्मू के एम्स को जो है उद्घाटन हुआ है, तो ऐसे ही जल्द से जल्द यहाँ अवंतीपुरा का एम्स शुरू हो। I would like my से 1987 की बात याद आ गई, 1987 में भी इस तरह से